दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देख लिया होगा, इस तरह की रील वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की रील्स वीडियो आप कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फोन से कुछ ही मिनटों में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज अपने छोटे भाई के लिए आपको छोटा सा काम कर देना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक ऐसा वीडियो होना जरूरी है, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाक से इस वीडियो को डाउनलोड कर लो जाके, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो काफी अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर, आपको वहीं बताने वाले हैं आपको कैसे एडिट करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। गाइस, आपको इस टाइप का रील वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन एक नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो क्लिक कर देने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करके राइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा वीडियो ट्रैक के ऊपर आ चुका है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो के एंड में चला जाना है और जो वाटरमार्क है उसको आपको डिलीट कर देना है दोस्तों। तो इतना कर देने के बाद आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है और वीडियो के ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपको वीडियो को एक बार प्ले करना है। तो आप देखिए, जहाँ से हमारा फोटो आना स्टार्ट हो रहा है आपको वहाँ पे एक कट लगा देना है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारा फोटो कहाँ से आना स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो हमारा यहाँ से फोटो आना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक स्प्लिट लगा देंगे। तो यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको कट लगा देना है। तो कट लगा देने के बाद आपका जो नेक्स्ट वाला लेयर है उसको आपको डिलीट कर देना है दोस्तों। तो आपको लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो क्लिक करके यहाँ से आपको अपने वो फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं जिस फोटोज को आप इन वीडियो के अंदर यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन में चले जाना है और जो इस वीडियो में आप फोटो यूज़ करना चाहते हो वो फोटोज यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसे चूज़ करिए दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैंने सभी फोटोज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है जो इस वीडियो में मुझे यूज़ करने हैं दोस्तों। तो आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपके फोटोज आपके जो लेयर है इसके ऊपर आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको एक एक फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको दोनों फिंगर से टच करके इसे रिसाइज कर देना है दोस्तों। तो आपको इसे इतना कर देना है जिससे ये हमारा जो पूरा फ्रेम में फिट हो जाए दोस्तों। तो आपको सभी फोटोज़ को इसी तरह करना है। अगर मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक फोटो को और रिसाइज करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो मैं सेकंड वाले फोटो के ऊपर क्लिक करूँगा और दोनों फिंगर टच करके यहाँ पे पूरा फ्रेम में फिट कर दूंगा दोस्तों। तो देखिए, हमारा जो फोटो है एकदम फ्रेम के अंदर फिट हो चुका है दोस्तों, काफ़ी ईजी तरीके से। तो आप इसी तरह से सभी कर लेना। तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो मैंने सभी फोटोज़ को यहाँ पर रिसाइज कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको रिसाइज कर देने के बाद तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साउंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको उसे स्ट्रेच करके बड़ा कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका पूरा साउंड यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है। तो आपको उसमें सबसे पहले अब क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और इसकी लेंथ जो है उसको आपको 0.20 सेकेंड कर देने है दोस्तों। 0.20 सेकेंड आपको ये कर देनी है। तो मैं चलिए आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं अगर आपको अभी करके दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसे भी अपने तरीके से कन्विंस कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ आसान तरीके से सबसे, ठीक है? तो चलिए, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैंने अपने सभी जो स्टार्टिंग की फोटो है उसको आपको यहाँ पे 0.20 सेकेंड कर दिया दोस्तों। तो आपको भी इसे ही कर देना है। तो मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ हमारा वीडियो कैसे बन चुका है दोस्तों। तो देखिए, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है, काफ़ी अच्छा दोस्तों। तो आपके स्टार्टिंग के 20 फोटोज जो हैं वो आपको 0.20 सेकेंड पर रखने हैं, 0.20 सेकेंड, ठीक है? और जो लास्ट वाले फोटोज हैं आपके, जितने भी आप फोटोज यूज़ करना चाहोगे उसमें, तो उसकी लेंथ आपको 0.30 सेकेंड कर देना है, 0.30 सेकेंड, ठीक है? अगर आप इतना लेंथ लगाओगे तो इतना काफ़ी अच्छा वीडियो आपका ये बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए, इतना कुछ करने के बाद अभी मैं आपको इसे दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा वीडियो कैसा बन चुका है दोस्तों। तो देखिए, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो और भी इसमें अट्रैक्शन डाल सकते हो दोस्तों। तो आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला एक बटन आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पे आपको जो डिफॉल्टली आपका रेजोल्यूशन होगा आपको इसे एक्सपोर्ट कर देना दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसे कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड गुड बाय।